नमस्कार दोस्तों, मैं चुड़ासमा स्नेहल बा हिंदी विषय के इस शैक्षणिक वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले के दो वीडियो में हमने इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का अभ्यास किया था। हमने सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी अभी हासिल की है। आज हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इन दिनों कोरोना महामारी की वजह से स्कूलें बंद है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, फिर भी उनके अभ्यास में रुकावट ना आए इसके लिए हम शिक्षक बहुत कुछ कर रहे हैं। इसका एक भाग है इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो बनाकर अपनी कक्षा के छात्रों तक पहुंचाना। लेकिन हम सब भावनगर महानगर पालिका के शिक्षक सिर्फ वीडियो बनाकर उन्हें यूट्यूब पर अपलोड करने से ही संतोष नहीं मानते। इस वीडियो से बच्चे कितना सीखे ये भी समय समय पर फोन करके या प्रत्यक्ष उनके घर पर जाकर देखते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, तो आज मैं आपको मेरे साथ लेके जाती हूँ। हम हमारी स्कूल माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर गुरुजी प्राथमिक शाला के शाला नंबर 30 नवापरा के आठवीं कक्षा के छात्रों से मिलकर मौखिक प्रश्नोत्तरी करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस इकाई को कितना समझा है। आओ दोस्तों, इस इकाई के अभ्यास का जो प्रश्न है वो अब्दुल्ला को आता है कि नहीं, ये देखने के लिए मैं उसके अब घर आई हूँ। अब्दुल्ला हाय कह दो पूरे क्लास को। हाय। तो अब्दुल्ला, तुमने मैंने जो वीडियो भेजे थे वो देखे? हाँ। आपको वो इकाई समझ में आ गई, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स? हाँ, तो मैं जानना चाहती हूँ आपको कैसे समझ में आए। बैठ जाओ, मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगी, तुम्हें उसके जवाब देना है। तुम्हारे पास हिंदी है ना? अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताओ कि सुनीता विलियम्स को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? अंतरिक्ष में सब सब अलग अलग देशों में बटा हुआ है, अंतरिक्ष सबका साझा है। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स ने काम किया था, इसलिए पूरे विश्व में सुनीता विलियम्स सब बेटी बेटी कहा गई है। सरस, वेरी गुड। हो बेटे, तो आज हम आतिका के घर पर आए हैं उनका अभ्यास कैसा चल रहा है वो देखने के लिए। आतिका है कह दो पूरे क्लास को ना। आतिका, मैं जो वीडियो भेजती हूँ वो तुम देखती हो? आपको वो अच्छा लगता है? आपको समझ में आ जाता है? तो आज मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको जैसा है वैसा आप जवाब देने की कोशिश कीजना, करना, घबराना नहीं, ठीक है? हाँ, तो मुझे ये बताइए कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, आपका क्या मत है? मेरा मत से ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं काम नहीं करती, जिसमें प्रतिभा पाटिल पूरे राष्ट्रपति पूरे देश की राष्ट्रपति है, ठीक है? लता मंगेशकर की आवाज पूरे दुनिया में सही बात है, अच्छी बात है। उषा सानिया मिर्जा खेलकूद में नाम रोशन कर रही है। अच्छा। आजकल महिलाएं सैनिक और पुलिस का काम कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, शुक्रिया आतिका। हाँ, तो दोस्तों, अब्दुल्ला के घर के पास ही बुशरा का घर है। बुशरा और सानिया दोनों सहेलियाँ हैं, दोनों में जो वीडियो भेजती हूँ वो साथ में बैठ कर पढ़ती है। बुशरा हाय कह दो अपने फ्रेंड्स को। हाँ, तो आज हिंदी का यह प्रश्न, एक प्रश्न मैं उनके साथ चर्चा करूँगी। बुशरा, तुम्हारे पास हिंदी है ना? हाँ, तो हिंदी का जो तीसरा प्रश्न है अभ्यास का वह पढ़ो तो। कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के चल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए। हाँ, तो आपको चर्चा करनी है सानिया के साथ इस विषय पर, शुरू की दीजिए चर्चा। कड़ी मेहनत कर भी कोई भी इंसान कुछ पा सकता है, सही है ना? हाँ, सही है। सुनीता विलियम्स जब छोटी थी तब उसको बचपन में अवकाश यात्री का बनना चाहती है, वो कड़ी मेहनत करके बन गई। आपने सातवीं कक्षा में ही पढ़ा था सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में सिलेक्ट हो गया और वो भी फिर भी मेहनत करता था और आज उसका दुनिया में नाम रोशन। मैंने एक डांसर सुधा चंद्र
सुधा चंद्र को बारे में सुना था। वो जब 3 साल की थी तो उन्होंने डांस करना सीखना शुरू कर दिया था। जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने एक्सीडेंट अकस्मात हो गया। जब वो उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया फिर उन्होंने पैर कटवा दिया, फिर उन्होंने नकली पैर डलवा दिया और वो डांस छोड़ा नहीं। फिर भी वो लोग करने लगे, फिर वो लोगों के सामने करती रही और सीरियल और फिल्में में भी आती है। हाँ, मेरा घर का ही उदाहरण ले लो। मेरी मम्मी उसके पेट पर खड़ी होकर मेरी बहन को भी पढ़ाई और मुझे भी पढ़ाई और अपना घर का कारोबार भी चलाती है। सही बात है बच्चों, मेहनत करके लोग कुछ भी पा सकते हैं। इस विषय में आपने बहुत अच्छी चर्चा की, थैंक यू। सरस बनी गयो छे, जोई लई आपणे। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, उसके लिए मैंने बच्चों से पूछा कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। तो सबसे पहले मैंने अब्दुल्ला से पूछा, अब्दुल्ला आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? बहुत अच्छे ख्याल है आपके। डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये आपको पता है ना। हाँ, तो ऑल द बेस्ट आपको डॉक्टर बनने के लिए। मेरी शुभेच्छा आपके साथ है कि आप बड़े होकर जरूर डॉक्टर बनेंगे। अब हम आए हैं सानिया के पास। सानिया, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ और गुनहगारों को पकड़ कर उसको सजा देना चाहती हूँ। आपके तो बहुत अच्छे ख्याल आते हैं। गुनहगार देश से जो अगर गुनाह खत्म हो जाएगा तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। पुलिस बनने के लिए आपको व्यायाम करना, कसरत करना, दौड़ना आदि करना पड़ेगा, आपको पता है ना। तो बहुत ही आपको शुभेच्छा पुलिस बनने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं बुशरा के पास। बुशरा, मुझे ये बताइए कि आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती है और क्यों? वेरी गुड, आप भी अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की तरह आसमान में उड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपको पायलट बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम आए हैं आतिका के पास। आतिका, आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती है और क्यों? मैं बड़ी होकर शिक्षक बनने चाहती हूँ, इसलिए मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत शौक है। और बहुत अच्छा, आप शिक्षक हमारे तरह बनना चाहती है, आपको शिक्षक बनने के लिए ढेर सारी बधाइयां।